मेंशन एनी टू ऑफ एब्राइट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस 2011 में पूछा गया था स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था एब्राइट ने क्या क्या डिस्कवर किया एब्राइट ने एक ऐसा हॉर्मोन डिस्कस किया डिस्क्राइब किया जो एक गोल्डन स्पॉट पे बटरफ्लाई के गोल्डन स्पॉट से उसको मिला था जो बटरफ्लाई के ही ग्रोथ में हेल्प करता है मोर ओवर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर उसका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है उसका यह कॉन्ट्रीब्यूशन है कि एक सेल अपने डीएनए को कैसे रीड करता है यानी ब्लूप्रिंट ऑफ द सेल को कैसे रीड करता है ये दो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन एबराइट ने वर्ल्ड ऑफ साइंस को दिए हैं हॉबीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वन लाइफ इलाबोरेट इथ दिस विद द एग्जाम्पल ऑफ मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट देखिए मैंने आपको पहले ही चैप्टर में ये चीज क्लियर करी थी कि एबराइट जो है उसकी बचपन में एक हॉबी थी कलेक्शन की अलग अलग चीज़ें कलेक्ट करता था वो कॉइन्स कलेक्ट करता था फॉसिल्स कलेक्ट करता था और उसमें से एक आदत उसकी बटरफ्लाई थी वही हॉबी आगे जाके उसके लिए इतनी इम्पोर्टेंट बन गई कि वो एक मेजर नाम बन गया साइंस का सो so, यहाँ पे क्वेश्चन यही है कि हॉबीज़ जो है वो एक की लाइफ में वंस लाइफ इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वंस लाइफ एग्जाम्पल आप धोनी का एग्जाम्पल ले सकते हैं आप विराट कोहली का एग्जाम्पल ले सकते हैं उस तरीके से जो उनका हॉबी था उनको आगे जाके उन्होंने अपना करियर बनाया अपना प्रोफेशन बनाया सो so, एब्राइट का एग्जाम्पल है स्टार्टेड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज एज अ हॉबी और फाइनली वो एक रिसर्च और डिस्कवरी में पहुंच गया नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वर द फैक्टर्स विच कॉन्ट्रीब्यूटेड इन मेकिंग एब्राइट अ ग्रेट साइंटिस्ट देखिए ये क्वेश्चन बड़े में भी आ सकता है चार मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है फैक्टर्स बहुत सारे एक तो उसका ए ग्रेड माइंड था जिसे आप फर्स्ट रेड माइंड कह सकते हैं एक सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी था एक विल पावर थी हमेशा जीतने की जीतने की औरों से नहीं एक ऐसी स्पिरिट जो खुद को हमेशा बेस्ट पे देखना चाहता है और मोर ओवर यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन में उसकी मदर का भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है रिचर्ड मदर हैड अ ग्रेट इन्फ्लूस ऑन हिम डिस्कस और डिस्कस द रोल्स ऑफ अ ब्राइट मदर इन मेकिंग हिम अ साइंटिस्ट ये क्वेश्चन टाइम एंड अगैन बार बार पूछा गया है कि मदर का बिकॉज पेरेंट का यहाँ पर रोल आया है कि एक पेरेंट का कितना इम्पोर्टेंट रोल है अपने बच्चे को कुछ बनाने में रिचर्ड मदर प्लेर अज रोल इन मेकिंग हिम अ ग्रेट साइंटिस्ट बचपन से अगर स्टार्ट करें तो शी यूज टू टेक हिम टू ट्रिप्स सिंगल चाइल्ड होने के लिए बिकॉज इज फादर डाइट सो वही उसका पूरा फोकस जो था वो अपने बच्चे पे था बट अगर आप यहाँ पे देखें तो आपने तो ट्राइफ ऑफ सर्जरी भी पढ़ा है जहाँ पे वो इतना ओवर पैम्पर करती है अपने डॉग को कि उसका डॉग बीमार ही हो जाता है यहाँ पे वो अपनी जितनी एनर्जी वो मदर यूज़ कर रही है वो अच्छी डरेक्शन में यूज़ कर रही है देखिए वो उसको ट्रिप्स पे ले जाती है ट्रिप्स के बाद वो उसको माइक्रोस्कोप दिलाती है टेलीस्कोप दिलाती है इक्विपमेंट्स दिलाती है माउंटिंग मटेरियल्स दिलाती है और डिनर के बाद वो उसको जान के प्रॉब्लम्स देती है ताकि वो सॉल्व कर सके क्या मतलब है उसको ये सब चीज़ें देने का उसका टारगेट है सिर्फ उसको ऑक्यूपाइड रखने का कि उसका बच्चा फॉर एवर ऑक्यूपाइड रहे अगर उसके पास कोई काम नहीं होता था तो वो उसको काम दे देती थी वो कोई फिजिकल काम नहीं था वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड बिल्ड करने के लिए था उसको एक बुक मिली वो बुक उसने कब दी उसको जब उसकी बटरफ्लाई में इंटरेस्ट खत्म हो गया उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन उसे एक चैलेंजिंग बुक ला दी विच वॉज अबाउट द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स और जिसके पीछे स्पेशली एक असाइनमेंट था जो उसको करना था जो हमने पढ़ा था कि वो एधेसिव टैग्स या नियॉन कलर की शाइन करने वाले टैग्स लगाएगा बटरफ्लाई में और वहाँ ट्रेस किया जाएगा कि वो कितना उसको कवर करता है सो मदर एक्चुअली प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हिज लाइफ मेकिंग हिम अ साइंटिस्ट रिचर्ड एब राइट प्ले अ वेल राउंडेड पर्सनैलिटी देखिए उसकी वेल राउंडेड पर्सनैलिटी आपको चैप्टर के एंड में मिलेगी जब ए वेरियर उसके बारे में बताते हैं कि वो एक साइंटिस्ट नहीं था बस यानी एक साइंस स्टूडेंट नहीं था एक डिबेटर भी था एक कनोइ भी था एक फोटोग्राफर भी था डू यू अग्री तो ऑफ़कोर्स हम इसको अग्री करेंगे कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे रिचर्ड का जो जीनियस था पहला वो बटरफ्लाई ट्वेंटी फाइव ऑफ बटरफ्लाई अपने ही होम टाउन में कलेक्ट करके बैठा था उसको कलेक्शन का शौक था ये सब उसके इंटरेस्ट से अलग है ओरेटरी क्लब यानी वो ही वॉज अ वेरी गुड ओरेटर। ओरेटर यानी जो बोलने में बहुत अच्छा होता है स्पोकन स्किल्स में बहुत अच्छा होता है पब्लिक स्पीकर था फोटोग्राफ़र था नो no मैटर कि वो साइंस की ही फोटोग्राफी करता था बट ही वॉज़ फोटोग्राफ़र

डिवोट करता था और क्योंकि उसकी एक स्पिरिट थी वो स्पिरिट क्या थी विल टू विन तो वो हर चीज़ में अपने आप को बेस्ट रखता था बीट साइंस बीट बीग ओ रेटर बीट कैनोइस्ट बीट फोटोग्राफर वो अपने आप को हमेशा ऐसा रखता था कि मुझे हमेशा अपने में बेस्ट रहना है उसका इंटरेस्ट और को हराने में नहीं अपने को बेस्ट रखने में था दैट इज़ वाई ही डिस्प्लेड अ वेल राउंडेड पर्सनैलिटी वॉट आर द वैल्यूज रिक्वायर टू बिकम अ सक्सेसफुल साइंटिस्ट देखिए मैंने आपको बोला था कि यही फैक्टर्स यही इन्ग्रीडियंट्स जो है बड़े क्वेश्चन में भी आ सकते हैं क्यूरियसिटी यानी जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा क्यूरियोसिटी टू नो मोर मोटिवेशन हर चीज को ढूंढने का कि अगर ये ऐसा क्यों है तो अगर ये ऐसा है तो क्यों है देखिए आपको पता है ग्रेविटेशन आपको क्यों मिला एक एप्पल पेड़ से गिरा और एप्पल खाने की जगह साइंटिस्ट ने यह सोचा कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा हमेशा ही नीचे क्यों गिरता है एंड दैट लेट टू द डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटेशन यानी क्यूरियोसिटी जानने की इच्छा आपको हमेशा एक्सप्लोर करने में हेल्प करती है अर्ज कि आपको और जानना है एट अ वेरी यंग एज ए ब्राइट कॉम्पिटिटिव बन गया था एक ही बार काउंटी फेयर में हारने से राधर देन गेटिंग इरिटेटेड राधर देन गेटिंग एनॉयड अपने आप को लूजर मानने की जगह उसने होप ना लूज करते हुए उल्टा ये देखा कि जीते तो जीते कैसे उसने ऑब्जर्व किया कि जीतते हैं रियल साइंस करने से और उसने रियल साइंस करना ही शुरू कर दिया ए ग्रेड माइंड क्योंकि ईजिली कुछ भी याद कर लेता था डिटर्मिनेशन क्योंकि जो चीज़ पकड़ ली वो चीज पकड़ कर ही रहता था हार्डवर्क सिंसेयर पेशेंस और वो फेलियर और सक्सेस दोनों ही चीज़ों को राइट right स्पिरिट में एक्सेप्ट करता था देखिए ये जो लाइन है ये अपने आप में ही एक क्वेश्चन है ये आपको कोटेशन के फॉर्म में आ सकता है कि एक्सेप्टेंस ऑफ फेलियर एंड सक्सेस इन द राइट स्पिरिट अगर अपने सक्सेस को अपनी कामयाबी को और अपने फेलियर को सही स्पिरिट से एक्सेप्ट किया जाए तो आप सक्सेसफुल बन सकते हैं वो जब फेल हुआ तब उसने रीजन ढूंढा फेल होने का और उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया लेकिन जब वो फर्स्ट टाइम सक्सेस उसने अचीव किया तो उसने वहाँ पे रुका भी नहीं ही कैप्ट ऑन डूइंग वन थिंग और दी अदर इसीलिए उसके रिजल्ट जो हैं वो अच्छे आए और वो फाइनली एक एक्सट्रीम पॉइंट तक पहुँच पाया अदरवाइज अगर सिर्फ यही इच्छा होती कि जीतना है तो फर्स्ट टाइम जीतने के बाद ही वो रुक गया होता रिचर्ड वॉज क्यूरियस चाइल्ड ऑब्जर्विंग द फिनिना अबाउट हिम कीनली एंड दीज स्टेट्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द एवोल्यूशन ऑफ अ साइंटिस्ट अगैन क्या है क्यूरियस माइंड जानने की इच्छा और बहुत अच्छी ऑब्जर्विंग स्किल आंसर पढ़ते हैं रिचर्ड वॉज एन एक्सेप्शनल चाइल्ड प्रोडिजी जिसको बोलते हैं अलग ही उसमें क्वालिटीज थी वो बहुत स्मार्ट ऑब्जर्वर था उसका हमेशा कीन इंटरेस्ट रहता था कि मैं जानूँ चीज़ों को और यही सक्सेसफुल करियर के कुछ ट्रेड्स होते हैं जो बच्चे में होने चाहिए क्यूरियस कैसे आप डाल सकते हैं एग्जाम्पल के बटरफ्लाइज, उसके बाद उसके गोल्डन स्पॉट्स, उसके बाद उसके प्यूपा, उसके बाद उसके हॉर्मोन्स उसके बाद उसके डीएनए उसका जो क्यूरियोसिटी था वो कभी खत्म नहीं हुआ और आप दूसरी चीजें ऑब्जर्वेशन कैसे कह सकते हैं कि जब वो हारा तो होप लूज करने की जगह उसने ये ऑब्जर्व किया कि लोग क्या करते हैं और किस वजह से वो जीत जाते हैं इसीलिए उसका कंक्लूजन क्या आया कि ही बिकेम अ सक्सेसफुल साइंटिस्ट इसको हम एक सैम्पल आंसर को रीड कर लेते हैं रिचर्ड वाज एन एक्सेप्शनल चाइल्ड विद द रेयर क्वालिटीज ऑफ इंटेलिजेंट ऑब्जर्वेशन एंड अ कीन इंटरेस्ट इन नेचर ऑफ थिंग्स द ट्रेड्स ऑफ इ सक्सेसफुल करियर वर नर्चर्ड एंड ऑनर्ड ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड डेज द क्वालिटी इट्स सेल्फ आर डिजायरेबल इन एवरी चाइल्ड यानी होनी चाहिए और क्यूरियोसिटी कभी भी डिस्करेज नहीं होनी चाहिए कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए प्रोवाइडिंग लॉजिकल आंसर अगर कोई क्वेरी पूछी जाए और उसका एक वैलिड आंसर एक लॉजिकल आंसर मिल जाए तो आपके में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड जनरेट होता है बच्चा हर चीज़ को एनालाइज करता है और उसके लॉजिकल कंक्लूजन पर आकर ही अपनी बात को खत्म करता है और यही एक सही लर्निंग प्रोसीजर है नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, सेम क्वेश्चन ये कहाँ से है जहाँ से वो अपना पहला काउंटी फेयर हार गया था फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस उन्होंने कोर्ट उठा के दे दी और बोला रिचर्ड एब्राइड के थ्रू उसको एक्सप्लेन करो जब एब्राइड अब देखिए यहाँ पे सब कुछ नहीं बताना पहले तो ये बताना है वो हारा कब क्योंकि क्वेश्चन फेलियर के ऊपर है वैन एब्राइड वॉज इन सेवन स्टैंडर्ड उसने काउंटी साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करा और वो हार गया उसकी एंट्री क्या थी कि वो फ्रॉग टिश्यू को स्लाइड के अंदर माइक्रोस्कोप में दिखाएगा अब उसको बहुत बुरा लगा ही वॉज फीलिंग सैड और वहीं पे बैठ के वो औरों को प्राइज़ लेते हुए देख रहा था और क्या उसने ऑब्जर्व किया कि जो रियल साइंस करता है उसको प्राइज मिल जाता है देयर एंड देन उसने अपने लिए एक टारगेट एक मोटिवेशन सेट कर लिया कि नेक्स्ट टाइम काउंटी फेयर में पार्टिसिपेट तो करना है लेकिन रियल साइंस को लेके और नेक्स्ट टाइम ही उसने पार्टिसिपेट किया और वो जीता उसमें हमें बताया नहीं गया कि वो क्या जीता लेकिन उसके नेक्स्ट ईयर एट्थ क्लास में उसने वॉइस रॉय और मुनार का कॉपी का कि वो कॉपी करते हैं जस्ट बिकॉज बर्ड्स उनको खाए ना और क्योंकि डॉक्टर और हट ये नहीं मानते थे कि ये सिर्फ ऐसे ही हो जाता है या कुछ उसने उस पर काम किया और इस बार उसने काम रियल साइंस में करके दिखाया ऑब्जर्वेशन बर्ड के सामने रखी और मोनार्क और वॉइसरॉय रॉय का कॉपी करते हैं या नहीं दिखाया और उसी से उसको सक्सेस मिली वो जुलॉजी में फर्स्ट आया और ओवरऑल थर्ड आया नेक्स्ट ईयर अब यहां पे आप एक्सप्लेन उसने नेक्स्ट ईयर भी करा आप चाहे तो इतना भी एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन जो है वो फेलियर का है नेक्स्ट क्वेश्चन रिचर्ड ए वेरियर कौन थे और उन्होंने रिचर्ड एब्राइड को कैसे हेल्प किया रिचर्ड ए वॉरियर जो थे वो रिचर्ड एब्राइड के सोशल स्टडीज़ के टीचर थे उन्होंने उसको कैसे हेल्प किया कि साइंस के अलावा वो उसके एडवाइज़र थे डिबेटिंग और मॉडल यूनाइटेड नेशनल क्लब में क्यों कैसे हेल्प किया अब उन्होंने सिर्फ क्लब में एंट्री डला दिया तो हेल्प तो नहीं हुआ लेकिन उन्होंने उसके माइंड को ब्रॉड किया उसको और डायरेक्शंस में भी लेकर गए सो दैट इट ब्रॉडन्स हिज माइंड Why did a bright lose interest in tagging butterflies? Simple सा question है कि जब उसको monarch of X book मिली थी और उसमें tagging butterfly एक task था उसका interest खत्म क्यों हो गया क्योंकि उसने पहले तो breeding कराई butterflies की thousands of butterflies को अपने पास दो साल तक रखा और हर butterfly को जब उसने tag किया तो उसमें सिर्फ दो butterflies उसको वापस मिले यानी फीडबैक अच्छा नहीं आया और वो भी कुछ ही माइल्स दूर उसके घर से एंड दैट इज व्हाई ही वाज डिसअपॉइंटेड अबाउट टैगिंग बटरफ्लाइज रिपीट क्वेश्चन देख रहे हैं आप 2012 में और आपके 2022 में 22 ईएल का मतलब एक्सपेक्टेड है ये कि कौन सी असेंशियल क्वालिटीज है अगर आप साइंटिस्ट बनाते हैं तो क्वालिटीज क्या चाहिए ए ग्रेड माइंड चाहिए क्यूरियोसिटी चाहिए जील चाहिए जील मतलब एक्सेल करना है मुझे आगे बढ़ना है मुझे अपने आप में ही अच्छा रहना है वॉट लेसन डिड एबराइट लर्न मेन ही कुड नॉट गेट द प्राइज देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फेलियर के बाद उसका क्या हुआ पहला उसने सीखा कि लर्नर्स हमेशा रियल एक्सपेरिमेंट करते हैं सिर्फ स्लाइड दिखाने से काम नहीं चलेगा तो उसने क्या किया इसेवेंथ क्लास में सीम एक्सपेरिमेंट रिवाइज़ किया है जब उसने दिखाया वो हार गया तो उसने मोटिवेशन उसको लेकर और एक्सपेरिमेंट करे कि राइ रियल साइंस दिखाऊंगा और वो जुलॉजी में प्राइज जीत भी गया वॉट अदर इंटरेस्ट साइंस के अलावा और क्या क्या इंटरेस्ट थे और क्या ओपिनियन थे उसके मिस्टर वॉरियर के बारे में अदर साइंस के साइंस के अलावा उसके कलेक्टिंग रॉक्स ये तो आपने पहले ही पढ़ा है साइंस का ही पार्ट है लेकिन कलेक्शन उसका शौक था फिर वो एक अच्छा डिबेटर था एक कैनोइस था एक फोटोग्राफर था और मिस्टर वॉरियर उसके बारे में बोलते हैं कि वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स में बिलीव नहीं करता था उसका माइंड जो था एक ऐसा माइंड था विच इज़ ओपन टू ऑल हर चीज़ को वेलकम करता था वो ऐसा नहीं कि मैं साइंस स्टूडेंट हूँ तो मुझे एस से कुछ लेना देना नहीं है उसको डिबेटिंग भी करनी थी उसको फोटोग्राफी भी करनी थी और वो इस सब चीज़ के लिए इतना डिटरमाइंड था कि सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद भी वो रातों रात प्रैक्टिस करता था डिबेट कॉम्पिटिशन्स के आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ